भगवान के दो रूप हैं, बोलो, विश्वमय विश्वातीत। गीता का एक श्लोक है, मेरे साथ बोलेंगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति अंतिसंतम न जहाति अंतिसंतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। भगवान हमसे दूर है ही नहीं, एक भ्रम पाल रखा है। भगवान को पाने के लिए कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई तीर्थों में, कोई अलग अलग देवस्थानों पर धक्के खा रहा है। पानी में मीन प्यासे रे मोहि सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुन सुन आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनिजन सहस अठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुन सुन आवत हासी। है हाजिर कही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहि सुन सुन आवत। तो तुम्हारे भीतर ही भगवान है, वो विश्वमय है विश्वातीत है। और हम योग करके भगवान के ज्ञान से भगवान के संवेदनाओं से भगवान के सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं, बस यही तो योग है, भगवान के यंत्र बनते हैं।